हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, अशोक लीलैंड की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंडअलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनांशियल ईयर एंडेड का, जो कि आज इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, कंपनी की ओर से डिविडेंड को लेकर कोई अपडेट नहीं किया गया है। और पहले हम लोग कंसोलिडेटेड फिनांशियल रिजल्ट कवर करेंगे। और यहाँ पे गाइस, हम लोग आ चुके हैं कंसोलिडेटेड फिनांशियल रिजल्ट पे। नंबर करोड़ में दिए गए हैं। इनकम है 13,613.2 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 11,119 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 13,229 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों की इनकम इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 12,037 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 10,155 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 12,085 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर एक्सपेंस बहुत कम हुआ, जबकि इनकम में भले इंक्रीज है लेकिन एक्सपेंस बहुत कम है, जिसके कारण प्रॉफिट में इंप्रूव किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1,515.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर 983 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 1,210 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 933.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 608.8 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 799.8 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। ईपीएस कंपनी का 2.9 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। वहीं ऑपरेटिंग मार्जिन है कंपनी का 12.9% का, प्रॉफिट मार्जिन है 5.89% का, दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। फिनांशियल ईयर एंडेड में इनकम है 45,931 करोड़ का, 23 में 41,779 करोड़ का। इनकम इंक्रीज हुआ है लेकिन एक्सपेंसेस कंपनी का हुआ है 41,757 करोड़ का, 23 में 39,573 करोड़ का, जो कि एक्सपेंस भी इंक्रीज किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 4,106 करोड़ का, 23 में 2,264.9 करोड़ का इंक्रीज देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट है 2,696 करोड़ का, 23 में 1,358.8 करोड़ का इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस 8.45 रुपीज़ का 23 से इंक्रीज किया है। तो गाइस, क्वार्टर एंडेड हो या फिनांशियल ईयर एंडेड, कंसोलिडेटेड कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पेश किया है, क्योंकि इनकम और प्रॉफिट दोनों इंक्रीज किया है। और स्टैंडअलोन रिजल्ट्स में इनकम है 11,384 करोड़ का, पिछले क्वार्टर 9,303 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 11,664 करोड़ का इनकम है। इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। एक्सपेंसेस 9,913 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 8,399 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 10,596.5 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है लेकिन ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंस बहुत कम हुआ, इसके कारण प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,401 करोड़ का, पिछले क्वार्टर 903 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 1,124 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 900.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 580 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 751.4 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस 3.06 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। तो कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट गाइस बहुत स्ट्रॉन्ग पेश किया, क्योंकि इनकम और प्रॉफिट दोनों इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम इसके शेयर की बात करें तो कंपनी का जो शेयर 217.3 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, 2.3% का प्रॉफिट है। गाइस, कंपनी का रिजल्ट आते ही बहुत स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला, 145 में इसका रिजल्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग जंप हुआ, 2.3% का प्रॉफिट दिया। वन मंथ में 22% का प्रॉफिट और सिक्स मंथ में 22% का प्रॉफिट है। तो गाइस, कंपनी एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है कंपनी 22 अप्रैल से। अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं गाइस, थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में चल रही है। और अगर आप इसमें ऑलरेडी शेयर ले रखेगा तो आप उसको होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं प्लान करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।